وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا मल तफ़न वजन्नतुम तो नाहनियात दुनिया फ़िलाफ़ीफी दाउन नज़लमिनफ़ूर हज़रत मुताफ़िन फ़िलर्स का दीनी ख़ास दीनी शा होता है दीनी शाशिल हो और वो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का प्रोग्राम बनाएं ये सबसे मौसर अहम और ख़ास मसला होता है दीनी शोर पहले तो यूँ हासिल होना चाहिए कि आखिर हमारे पास कितनी शक्त है कितनी वसात है और हम दीनदारी के किस मरहले में हैं रसूल ग्रामी स मक् में तेरह साल रहे वहाँ आपकी हैसियत और मुसलमानों की हैसियत मुतदफीन की थी वहाँ पर गैर मुसलम अक्सरीत के दरमियान रह रहे थे हिजरत के लिए रास्ते नहीं खुले थे रियासत नहीं बना सकते थे और न इतनी इस्तात थी कि कुफर के गलबे को तोड़ सकें और वहाँ इस्लामी रियासत इस्लामी हुकूमत कायम हो या ये ये पोजीशन बने कि मुसलमान आज़ादी के साथ दीन परमल कर सकें और मकम्मल तौर पर दीनी निज़ाम कायम कर सकें मजबूरी थी उस तेरह साल में रसूल ग्रामी सल्ला वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को अपनी क़्यादत में मुतद रखा कोई एक आदमी भी जो इस्लाम कबूल कर लिया सारी मुसीबतें आईं परेशानियाँ आईं सताए गए मारे गए बाइकॉट हुआ जितना भी लोगों के बस में हुआ कुफार के सब किया लेकिन नबी अक्रम सल व्म की क़्यादत में सब लोग जमे रहे एक फ़र्द भी ऐसा नहीं था जो उस वक्त जो दायरा था मोहब्बत का विलायत का ताल्लुक था उसे टूटे ये थी क़ियादत यह था दीनी साथ ही साथ आपस में जुड़ के रहे और रसली ग्रामी वसलम में जोड़ के रखा और दूसरी सबसे अहम बात यह थी कि पूरे तरह साल में नबी अलैहि वसल्लम सब्र बर्दाश्त का इतना मुहिरा किया कि कभी टकराव की कोई सुरतानी नहीं दी वो म करते रहे और मुसलमान बर्दाश्त करते रहे और अपनी एनर्जी अपनी तोानाई अपनी मोराल को कहीं गिरने नहीं दिया और अपनी वजूद को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया बराबर तोानाई कुत मजबूती सीरत किरदार की मजबूती अकीदे की मजबूती अमल पराई का जज्बा सारी चीज़ें वाफिर रहीं जवान रही और इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अपने साहबा को और जो आप नबूत पर ईमान लाने वाले थे मक्का की ज़िंदगी में उनको एनर्जी से भर दिया और किसी तरह का को कोई बिखराव नहीं होने दिया यकीन व ईज़ान की जला तरी सूरत हो सकती थी वो सारी चीज़ें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपकी नबूत के थ्रू तमाम मुसलमानों में प्रवाइड थी मौजूद थी ये सूरत हाल थी तो जोड़ के रखा इतना मजबूती से जोड़ के रखा कि कोई ऐसा वाक्य नहीं आता है कि कभी किसी तरह लोगों की ज़बान पर दिल में बात हो कि हमने कौन सा फ़ैसला कर लिया मोहब्बत का कुर्बानी का जोश का जज्बे का यकीन का ईजान का सब्र का, तवक्कुल की जितनी अलग क्वालिटी हो सकती थी सारी चीज़ों का मुजाहरा हुआ और सारी चीज़ें वाशगाफ़ हुईं और वो सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद रही तो ये था तो दो पॉइंट दीनी शोर जो है था एतकादी भी और भी ये जितनी गुंजाइश थी मुकम्मल तौर पर अमल किया गया और पूरे ईमान की तोानाई के साथ अमल हुआ कहीं किसी तरह का जौफ़ नहीं सब मुकम्मल तौर पर उस पर जो सुन लिया जो मान लिया जो जान लिया उसको दिल्ली जान से मान लिया ये दिनी शोर था और बाकायदा अल्लाह ताला की हिदायत की रोशनी में सबकी तरबियत होती रही अच्छा दूसरा पॉइंट ये था कभी टकराव की बात नहीं आई टकराव की बात अगर आती तो ये होता सारी एनर्जी सारी क़वत जो थी अमली एतकदितास हो जाती नबी करमल व्लम की मक्की ज़िंदगी थी और जो उस वक्त दायरे अमल था या और जिस अंदाज का दीनी शौर नबी अकरम्स ने पैदा किया था वही सूरत हाल आदमी इस्ताद की कमज़ोरी की है जहाँ इस्लाम को मुकम्मल तौर पर हम अपनी ज़िंदगी में नाफिर नहीं कर सकते तो आज भी हमें वही चीज़ रसुआ है हमें भी सबसे पहले आज दीनी शौर में दाखिल ये है अपनाइत का विलायत रसोल ग्रामी ज़माने में या अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया कि मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का के दरमियान जो रिश्ता होता है विलायत का होता है विलायत का तो मतलब है अपनाइत ताल्लुक़ हमदर्दी एक दूसरे के काम आना और एक दूसरे का साथ देना मिलजुल करके मुस्लिम समाज माशरे में जो जितने भी भलाइयाँ सुरखरु हो सकती है दीनी दुन्य दुनियावी उसके लिए मेहनत करना विलायत में सारी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले दिनी शोर में आता है कि मुसलमानों के अंदर जो विला का रिश्ता है विलायत का रिश्ता है मुखलसाना तौर पर जो अपनाइत का रिश्ता है वो ज़िंदा रहना चाहिए जिस तरह नबी अलैहि वसल्लम ने तेरह साल की की ज़िंदगी में ये रिश्ता बरकरार रखा कि हर मुसलमान एक दूसरे से जुड़ा हुआ हर एक दूसरे के दुख गम में शरीक हर एक दूसरे को सब्र की तलकिन हर एक दूसरे को नसीहत वसीयत वाली बात कोई किसी से कभी कटा नहीं कोई किसी से अलग नहीं हुआ सब आपस में जुड़े रहे तो इस तजाफ़ की हालत में सबसे जो दीनी शोर में पहली चीज़ आती है वो ये कि अपनाइयत का रिश्ता कायम रहना चाहिए और ये अपनाइय कहाँ से आई है दीन की बुनियाद पर कि जो अल्लाह ने उसके रसूल ने बता दिया है हमें इस तरह रहना है और सारी ज़िंदगी को उसी के मुताबिक सेटअप करना है तो उसकी बुनियाद पर जो अपनाइत के रिश्ता कायम होता है वो अपनाइय का रिश्ता कायम होना चाहिए अकलीत के हिस्से से या इस आलमी इज़ाफ में अगर ये रिश्ता मौजूद नहीं है तो मुसलमानों के हक़ हाँ में बिखराव के सवा कुछ नहीं है कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं आवाज़ जिस तरह के बिखराव है विलायत का रिश्ता कायम नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ सियासी अफकार तालीम अफकार नजरिए माशरती अफकार नजरिए अदबी अफकार व नज़रिएग थलग कहीं कोई लिहात की तरफ़ जा रहा है कहीं शिरक की तरफ़ जा रहा है कहीं कोई बगावत की तरफ़ जा रहा है कहीं कोई विवाही की तरफ़ जा रहा है ये क्या है कोई रिश्ता है हत खुद रिश्तों के दरमियान वो अपना ये तो वाला रिश्ता नहीं रह गया है जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत है मुस्लिम समाज माशरे के लिए उसके बगैर मुसलमान कुछ कर ही नहीं सकता है उसके बगैर न नमाज में वो जान है उसके बगैर न जो बुनियादी तालीमा हैं उसमें जान है उसके बगैर न जहाद है न जज्बा है उसके बगैर ना समाजी ज़िंदगी है नालिमी ज़िंदगी है ना अज्तमी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है इसी बुनियाद पर सारी हमारी प्रोग्रेस हो सकती है सारा हमारा प्रोग्राम बन सकता है तो दीनी शौर में मुस्फ़ी के सबसे पहले रिश्ता शौर होना चाहिए विलायत का अपनाइत का अगर ये अपनाइत का रिश्ता अगर ये खलूस का रिश्ता अगर ये एक दूसरे के लिए कमाने के रिश्ता मौजूद नहीं है और ये शौर नहीं है तो आदमी गौसा उनका गौा हिस्सा ले सकता है दूसरा सबसे बड़ा मसला विलायत के बाद जो दिनी शौर में दाखिल है वो ये है कि मुसलमानों के अंदर इस्तकामत हो इसतामत का शौर अमली तौर पर भी इतदी तौर पर भी अल्ला ने बयान फरमाया इन नज़ीन अक्रबाल्ला सुस्तक़ामू दीन को मान लिया डिक्लेयर कर दिया हम मुसलमान हैं उसके बाद कहा फिर उस पर जमेर हो सतनआलम तो कहा हर हाल में चाहे मुस्लिम अक्सरीत में हो अक्सरीत में या अकलीत में हों किसी भी हालत में कहीं भी हों लेकिन अगर दिन को डिक्लेयर करने के बाद दीन को मानने के बाद अल्लाह की उलोहीत को तस्लीम करने के बाद आदमी उस पर जम जाए मजबूती से तो उसके बाद नतीजा देखो रत तज़्ल आलमलाई कित तो अल्ला ताफोल इंसान के लिए हर दम एक मुसलमान के लिए दिल बस्तगी का सामान मिलता रहेगा अल्लाह ताला की तरफ़ से इंतज़ाम होता रहेगा कि मुसलमान कभी हरास ना हो मुसलमान कभी डेरे नहीं मुसलमान कभी मायूस ना हो, हमेशा उनका मोर आई रहे हमेशा वो उम्मीद की नहीं गुजारें हमेशा अपने अंदर वो ताकत के महसूस करें हमेशा वो इनर्जेटिक बन के रहें ये अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम होता है तसनजलमलई का किसी इंसान की तरफ़ देखना नहीं पड़ता है कि वो उसका सहारा मिल जाए इसका सहारा मिल जाए अगर इस है अगर ये दीन शोर मौजूद है इस्तेजाब की हालत में भी तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ख़ुद ही इंतज़ाम होता है तसनजलमलई का तो अल्ला ताफू तहजल ये इंतज़ाम होता है दिल बस्तगी होती है डरना भी नहीं है गमगीर भी नहीं है दो हालत हो सकती है आदमी डर की हालत में रहे ये बाहर का खौफ होता है वह आदमी गम की हालत में रहे ये अंदरूनी खौफ है कहा अंदरूनी खौफ बाहरी खौफ जितने भी हो सकते हैं वो तमाम का मदावा हो जाता है अल्लाह ताला की तरफ से लेकिन इसतकाम ज़रूरी है वबश दिल जनना का इसतकाम अगर आ जाए कमज़ोर इस इज़ाफ की हालत में रहें फिर भी वब शुरू बिल जनना जन्नत की बिशारफ़त होती है और यह अल्लाह ताली की तरफ से वादा होता है और अल्लाह ताली की तरफ से दूसरा ऐलान होता है नाहन अलिया फिर आया दुनिया फिर दुनिया और आखिर दुनिया आखिरत में हर जगह सबसे बड़ा सहारा मैं हूँ अल्लाह ताला अपनी तरफ से ऐलान करता है अब बताइए अकलीत की हैसियत से हो या कमज़ोरी की हालत से हो इतने इतने वादे अल्लाह ताला की तरफ़ से हैं कि अल्लाह ताला की विलायत मिल रही है अल्लाह ताला का सहारा मिल रहा है अल्लाह ताली की तरफ से ऐलान हो रहा है तो दिल बस्तगी सामान मिल रहे हैं अंदरूनी ख़ौ बाहरू ही खौफ सबको मदद मिल रही है इससे बड़ी चीज़ क्या तो ये दूसरा शौर हुआ कि इंसान को अकलीत को इसतकामत तो सबके लिए ज़रूरी है लेकिन ख़ास तौर पर जब अकलीत में हो कमज़ोर हो तो इसकामत अच्छा इसतकामत की क्यों बात की गई भाई इंसान जब अकलीत में हो तादाद कम हो कमज़ोर हो तो हर तरफ़ से दबाव होता है फ़िक्री दबाव होता है सियासी दबाव होता है माशर्ती दबाव होता है कुफ़र का गलबा हो तो कुफ़र का दबाव होता है तो इस दबाव की हालत में इंसान कैसे ठहरेगा कैसे उसके अंदर जमाव पैदा हो कैसे उसके अंदर क़वत पैदा हो वही इसतकामत कि दीन को कह दिया हाँ मार लिया है तो हिले नहीं तजादुलना पैदा हो खौफ ना हो डर ना हो एक मज़बूत इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारे एक बरकर इंसान ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे तो ये दूसरा शोर है इस जकामत होनी चाहिए अगर इस जकामत मौजूद हो तो दे, देखिए गई गुजरी हालत में कितना कमज़ोर हो फिर भी अल्लाह तला की तरफ से कितना वादा है अगर ये अल्लाह तला की तरफ से इंतज़ाम है कि सारे दुख और गम अंदरूनी बाहरी खौफ डर गम का मदावा अल्लाह मुदावाल्ल तरफ से हो जाएगा इंतज़ाम हो जाएगा दिल बरसगी का तो बताइए कौन सी मायूसी बात है कहीं भी रहे मुसलमान कोई डर की बात है और इस हालत में इंसान रहे सबसे बड़े इंसान जो बंधन बन जाती है इंसान की पैर की रुकावट जो होती है उसकी मंजिल की रास्ते की वो यही होता है इंसान खौफ की हालत में जिए इंसान गम की हालत में जिए और जहाँ भी देखिए आज सूरत हाल ये है कि एक मुसलमान खौफ़ की हालत में जी रहा है हर जगह या हमेशा गमगीन मुजमाइल परेशान तो गम और खौफ की हालत में इंसान की सारी सलाहियतें टूटती बिखरती होती चली जाती हैं ये दो चीज़ें ना हो अगर इंसान कन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी गुजारे और मकमल इहतमान और उसका एक एक कदम उठे कॉन्फिडेंस के साथ तो चाहे कितना कमज़ोर हो उनका कोई रास्ता रोक नहीं सकता है तो ये अल्लाह ताली का तरह से इंतज़ाम हो रहा है तो ये दूसरा शौर ये है कि मुसलमान के अंदर इसकामत होनी चाहिए खासतौर पर जब कमज़ोर हो अगर इसकामत है तो उसकी तरक्की उसकी शुरु उसकी कामयाबी को कोई रास्ता रोक नहीं सकता है तीसरी चीज़ जो शोर में दाखिल है बुनियादी तौर पर इस्तेमाल नहीं होने चाहिए टकराव की, की सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए टकराव की जब सूरत हाल पैदा कर लेता है कमज़ोर मुसलमान और टकराव की हालत में जीता रहता है तो हमेशा वो अपनी ताकत तो को बर्बाद करता रह जाता है क्यों टकराव हो जब आपके पास ना इसबाब हैं न जराए हैं न क़त है तो टकराव की इस बुनियाद पर हो अगर कमज़ोरी की हालत तो में आदमी टकराव का सूरत अख्तियार करे तो क्या होगा मरा ही तो जाएगा दुनिया इसबाव की बुनियाद पर बनी हुई है और इसी इस्बाब की बुनियाद पर इंसान के लिए अल्लाह के यहाँ जवाबदेही है हमारे पास अगर न क़ियादत है न ताकत है ना इसबाब है इल में भी पीछे मीशत में पीछे समाज भी हुआ तालीम में सबसे पीछे इनफरादी तौर तो पर इंसान का मॉरल डाउन खसूसियात सारी मौजूद ही नहीं तरक्की की तो बताइए टकराव किस बुनियाद पर करेंगे किस बुनियाद पर हुक्म तलाे काम करने के लिए जत्थे तैयार करेंगे और पागलों की एक नस्ल तैयार कर दें जहाँ जाए बिगाड़ ही बिगाड़ पैदा हो तो यह जहनी तौर पर हर तरफ जहाँ जाए स्कूल में तो वहाँ बिगाड़ समाज में वहाँ बिगाड़ स्कूल मदरसे में वहाँ बिगाड़ मस्जिद में तो वहाँ बिगाड़ ही बिगाड़ नस्लों की नस्लें तबाह करते चले जाएँ तो कि वह सब टकराव की बात हो तो अकलीत के हिस्से से टकराव से बचना है और ये हमारे लिए ऊसमान रसोल रामीसम तेरह साल मक् रहे कभी टकराव की सूरत आने नहीं दी सारी एनर्जी को ताकत को तोानाई को इकट्ठा करके रखा और उसके बाद जब मौका मिला तो वही एनर्जी वही तोानाई बेस बन गई तरक्की की सियासत की मीशत की माशरत की हर चीज़ की और दुनिया आखरत की सुरखुर सारी मिलने के लिए इम्कान पैदा हो गए तो टकराव की सूरत आदमी पैदा करता है तबाह हो जाता है आज देखिए सिर्फ हिंदुस्तान में देख लीजिए मुसलमान जहाँ देखो और ये जो हुकूमत लहिया वाले लोग हैं टकराव के जहन बना कर के नौजवानों को छोड़ रखा है खासतौर पर सिकुलर नौजवानों को और ये ख्वाब जन्नत शद्दात को ख्वाब दिखाते फिरते रहते हैं नतीजा ये हुआ कि हर जगह मुसीबत ही मुसीबत इस टकराव के नतीजे में मुसलमानों की तोानाइयाँ कितनी तबाह बर्बाद हुई हैं सारे आलम में कि जितनी सलाहियत होती हैं करश होकर रह गई हैं और जितने भी होनहार किस्म के लोग थे सारी होनहारी उनकी इसी में तबाह बर्बाद हो गई टकराव की हालत में हुकूमतों से टकराव समाज से टकराव गैर मुस्लिमों से टकराओ हिंसे टकराओ और तहरीरी टकराओ तीरीरी टकराओ हमारी टकराओ क्या किया है ये पचास साठ सत्तर साल के अंदर सिवाय मुसलमानों को कर्श किया गया है उनकी सलाहितों को बर्बाद किया गया है और अकलीत के हिस्से है चाहे वो गैर मुस्लिम अक्सरीत में हों यानी इस्लाम में हों जहाँ निज़ाम कुफर लागू है हर जगह टकराव का नतीजा ये हुआ कि जो इम्कान थे दाऊत तबलीग के जो इम्कान थे असलाह के जो इम्कान थे प्रोग्रेस के तबाह बर्बाद हो गए सौ साल में मुसलमानों को अगर ले लिया जाए तो सौ साल में मुसलमानों ने सिर्फ अपने आप को अपने तौर पर जितना तबाह किया है उतना दुश्मनों ने तबाह किया है ये टकराव की हालत में रहने की बुनियाद पर कभी नहीं सोचा कि भाई हम किस हालत में हैं हमारी कैसी पॉलिसी बननी चाहिए हमारा कैसा प्रोग्राम बनना चाहिए सिर्फ टकराव 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 क्या मिला टकराव से सारी सराहित करश हो गई अगर अच्छी क़्यादत होती और मुस्तफीन के हिस्से से हमारा दीन बेदार होता कि रसूल ग्रामीम ने तेरह साल तक सब बर्दाश्त किया बोत बर्दाश्त पैदा की और कहीं किसी जगह भी अपनी एनर्जी को कि अदना दर्जे में भी तबाह होने से बचाया आज भी यही सूरत हाल है कि अगर हम टकराव करते रहें जबकि हमारे पास सलाहियतें नहीं हैं ताकत नहीं हुकूमत नहीं है तो यही होगा कि तबाह बर्बाद हो गए और सारी सलाहें तबाह बर्बाद होती रही बिखराव टकराव से बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारी एक क्यादत मजबूत क़्यादत हो ज़बरदस्त क़्यादत हो मुखलिसदत हो जैसे रसूल रसोराम की क़्यादत थी अब चौथी सलाहियत यही कि इसतम से बचने एनर्जी को महफूज रखने और उसको फैलाव के लिए रास्ते निकालने ये मज़बूत और समझदार क़ियादत की ज़रूरत होती है क़ियादत अगर मौजूद है और लोग उसके पीछे चलते हैं तो जितना बनाओ और तामीर की रास्ते होते हैं खुलते हैं और जितने बिगाड़ और फसाद के रास्ते होते हैं बंद होते हैं लेकिन बदकिस्मती से क़ियादत का बहरान हर तरफ है नाम की क़ियादतें हैं काम की क़ियादतें कहीं भी नहीं वो काम की क़ियादत अगर किसी एक गांव के सतह पर हो तो पूरा गांव उठ जाता है उसकी प्रोग्रेस हो जाती है हर ना से और क़ियादत से अगर महरूम हो जाए उम्मत और जो मतलूब क़ियादत है दीनी एतबार से वो मजबूत क़ियादत अगर ना हो तो यही सूरत हाल होती है बिखराव का इंसान शिकार हो जाता है तो चौथा शोर यह होना चाहिए कि इस्तम से बचने इस्तेकामत को लाने और आपस में अपनाइत को बरकरार रखने के लिए मज़बूत क़्यादत होनी चाहिए मजबूत और दीनी क़ियादत जो मुकम्मल तौर पर बसीरत के साथ दीन को समझता हो और दीन पर अमल पैरारी की जितनी गुंजाइश हो और रास्ते खोलने के लिए दीन को फैलाने के लिए उम्मत के फ़रोग के लिए दीन के फरोख़ के लिए जितना कर सकता हो उसके अंदर बसीरत होनी चाहिए ये चौथा दीनी शौर है पांचवा दीनी शौर ये है कि इसत नहीं होना चाहिए सरेंडर नहीं जिस माहौल में रह रहे हैं अक्सर मुस्लिम की है जो भी फैसला हो जाए जो भी कह दें हाँ सब शरतम तो खम है और इसत ये भी है पूरा माशरा मुसलमान मौजूद है और हर फील्ड के जितने शराय हैं और जितने लोग हैं चाहे तालीमी फील्ड के हों चाहे सियासत के हों चाहे मैषत के हों चाहे माशरत के हों या आईली ज़िंदगी है ये इनफ़रादी ज़िंदगी कहीं ऐसा ना हो कि कोई आदमी भी अगर कहीं विदा प्रचलित है वो भी तस्लीम करते चले जाएँ सबको हर फील्ड के लोगों को चाहिए कि कम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए इस्लाम नहीं होना चाहिए जो भी आ जाए यानी इस्लाम कभी ऐसा हो सकता है सियासी दबाव की बुनियाद पर कभी हो, की हो कभी ऐसा हो कि अफकरों नज़रिया की कशिश हो कभी ऐसा हो कि इंसान कमज़ोरी की बुनियाद पर भाग जाए कभी ऐसा हो कि लालच की बुनियाद पर इंसान हर चीज़ मानता शुरू कर जाए पेट भरने को मिल रहा है जेब भर रहा है तो मानते चले जाओ ये तमाम रास्ते होते हैं इसत इस्लाम के और इजमाही भी इस्लाम हो सकता है इनफरादी भी इसत इस्लाम हो सकता है अकलीत के हैसियत से जरूरी होता है कि हर आदमी हमारा कीमती है हर फर्द कीमती है हर आदमी के ज़िंदगी में उसके दीन और उम्मत के, के के बारे में उतना हसास होना चाहिए कि उसको तहसन मिले मजबूती मिले कि वो किसी तरह दूसरों के शिकार ना हो जाए अगर ये चीज़ की जज्बा पैदा हो जाए कि किधर हो इधर भी झुक जाओ उधर भी जाओ ये भी मान लो ये भी मान लो तुम भी खुश हो जाओ तुम भी खुश हो जाओ और यह कि नजरियाती तौर तो पर आदमी कहे नहीं ये वक्त का तकाजा इसे को मान लेना चाहिए वक्त का तकाजा है इनके पीछे चलना चाहिए बचा क्या इस्लाम के पास ओ तो कम्प्रोमाइज़ कर लेना इस इस्लाम सरेंडर कर देना ये अकलीत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ करता है अकलीत के दी शोर में ये चीज़ दाखिल है कि कभी अपने आप को इस तरह न बनाए कि हर जगह सरेंडर शुरू कर दे रसूल रसोले ग्रामीम को पास देखिए कितना दबा हुआ रसूल रसोल ग्रामीम के ऊपर कितना दबा हुआ आते थे वफूद आते थे कुफार के और नगोशिएसन होता था दबाव होता था कि हमें कुछ ना कहो हमारे जो रवाज है तौर तो तरीक़े मज़हब है उसकी मुखालफत ना करो हम भी कुछ हमारा मान लो कुछ हवा को मान लें लेकिन रसूल ग्रामी ग्रामीम हमेशा कहते थे कि अगर हमारे हाथ में ये पेशकश जो इनकी होती है अट्रैक्टिव किस्म की यही नहीं अगर इनके बस में हो सूरज और चांद अलग करके हमारे हाथ में रख दें फिर भी मैं एक इंच एक लम्हे के ले नहीं सोच सकता कि कुफर के साथ बातिल के साथ हम कम्प्रोमाइज़ कर लें तो सबसे बड़ा कठिन मसला होता है कि गैर मुस्लिम अक्सरियत में रहते हुए आदमी इस इस्लाम से बचे और इस इस्लाम से कंप्रोमाइज़ से सरेंडर से वही आदमी बच सकता है जो दीन के लिए जेनविन हो सही तौर पर दीन को समझता हो और सही तौर पर दीन के लिए बका के लिए अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उसके लिए तोनाई हो जाहिर है अकलीत में है कम तादाद है क़ियादत के लिए ज़रूरी है समझदारों के लिए ज़रूरी है जो असाब शुरा अहल हलोद हो सकते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि मुसलसल मेहनत करें कि किसी तरह का बातिल के साथ कम्प्रोमाइज वाली बात ना होने पाए जहाँ मजबूरी है बेबस हम अलग बात है लेकिन यह कि अख्तियार की बुनियाद पर या अपने पसंद की बुनियाद पर या खुशी से किसी चीज़ को तो बातिल को तस्लीम ना करें जो हमारे बस में ना हो दबाव डाल करके जैसे भी यही दबाव हो दुनिया बदल गई आज इस्लामी निज़ाम कहीं ए, किसी जगह रही नहीं गया है घेर घर करके हम सिर्फ मस्जिद मदरसे में घुमा डाल दिए गए हैं अपने घरों में और जितना मखसूस अंदाज में दिन पर अमल कर सकते करें बकिया सब कुछ तो छीन गया तो उतमें तो कोई मसला ही नहीं है आलमी तौर पर दबाव आलमी तौर पर हमारी ताकत छीन गई लेकिन इस माहौल में रहते हुए जितना हमारे लिए ख़ास कि सही दिन को समझने के लिए और सही दिन को समझाने के लिए जितनी गुंजाइश हो सकती है उसमें एक मुसलमान को अकलीत में रहते हुए कभी कोताही नहीं होनी चाहिए बस बसावकात इंसान अगर अपना प्रोग्राम लाहेमल मख्तसर कर ले और कहे बस जितना हम जी रहे हैं उतना काफ़ी है और सबको छोड़ दो तो भी सरेंडर करने की एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म होती है अक्सर इसमें लोग मुबतला हो जाते हैं आज ही सरजमीन में देख लीजिए हिंदुस्तान में इतने अजीब अजीब के लोग पैदा हो गए हैं कि बस ये मुख्तर करते चले जाओ और ज़िंदगी में जो निज़ाम दूसरा कुफर का है बातिल का है उसको मानते चले जाओ इसीलिए जी लो एक मुसलमान का मनसब ये नहीं है वह तो किसी तरह जी लेना है पेट भर लेना है एक मुसलमान का मनसब ये है अल्लाह जो दीन दिया है उसको फैलाना उसकी हिफाजत करना उसको सही तौर पर समझना उस पर कायम रहना ना कि हालात के दबाव में जो भी कुछ कहे मानते चले जाओ मानते चले जाओ मानते चले जाओ और शर सदर के साथ मान लो और ख़ुशी के साथ मान लो एक मुसलमान ऐसा भी हो सकता है कि दीन को समझता है जानता है दिल से लगाव है और जो भी उसके ऊपर दबाव हो उस दबाव में वो जिस तरह का दबाव है टिक नहीं सकता है मजबूर है लेकिन दिल नहीं चाह रहा है दिल किसी तरह तैयार नहीं है तो उसकी हालत तो होगी एक ये है खुशी हाँ भाई जो कुछ वो सब सही है तो वो दीन से बाहर गया दीन के उसका कोई ताल्लुक नहीं रह गया दीन से उसका कोई लगाव नहीं रह गया और ये कि ठीक है उसके ऊपर दबाव हुआ मजबूर है लेकिन दिल मुतम है दिन के साथ तो इसकी हालत इसका हुक्म और लगेगा तो सरेंडर होने की बेस्ट बेषतमार शक्लें हो सकती हैं आदमी मजबूरन सरेंडर हो रहा है यही की तोानाई है जहाँ खम है सरेंडर नहीं हो रहा है यही की दिली तौर पर नहीं है ये जिसमानी तौर पर है या कि कोई आदमी दिली तौर पर भी है या जिसमानी तौर पर भी है अंदर भी है बाहर भी है तो मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं इसका हिसाब लगाना इसको जोड़ना इसको समझना और इसके लिए बचने की तदबीर करना यही कि अभी है वक्त ऐसा भी आ सकता है कि तमाम चीज़ों से तो नहीं आए तमाम दबाव को उठाकर फेंक दे किस वक्त हो सकता है जब एक प्लानिंग के साथ मनसूबा बंदी के साथ हम जिंदगी उतारें कि हम दिन के प्रोग्रेस के लिए उम्मत के प्रोग्रेस के लिए तरक्की के लिए इरत के लिए बराबर कोशिश करते रहें हालात तो अगर साजगार हों रास्ते निकालें ना कि आँख बंद करके जैसा भी है बस जी लो अकलीतों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही हो सकती है और दीन शुरू उस वक्त शुर बुझ जाता है जब वो मिजाज बना ले सरेंडर होने का जो भी कुछ आए सब सही है मानते चले जाओ और ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है इस मुसीबत में अक्सर लोग मुब्तला हो जाते हैं आज भी, भी अक्सर पढ़े लिखे हर मत तक की सूरत हाल हाली है सब सही है ये भी सही वो भी सही सब सही जैसे कोई मैार ही नहीं रह गया हक वातिल का दीन का कोई मैार ही नहीं रह गया है बस पेट पाल लो जिंदगी गुजार लो यही रह गया है ये सबसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है कि इंसान जब बहिमियत की सतह पर उतरता है तो यही कहता है अरे छोड़ो दुनिया है जैसे है चलती रहे बस पेट पालो और फ़ायदे हासिल करो यही काफ़ी है अल्लाह ताला हम सबको को तोफ़ी कता फरमाए कि दीन को सही तौर तो पर समझें और मुस्तफ़ी के हिस्से से जो दीनी शौर है दीनी शौर बेदार हो ताकि हमारे अंदर जो अल्लाह तलाहित दी हैं उसकी हिफाजत करें और उसको प्रोग्रेस करने के लिए रास्ते निकालें ये जो तफसील बयान की गई अभी और भी हैं लेकिन यह कि जितना कुछ बयान हुआ जो पाँच तीन ही शोर के सिलसिले में गुफ्तु हुई अल्लाह ताला इसका इसकी समझ हमें अता फ़रमाए इसका शोर अता फ़रमाए और हम यहाँ मुसलम अकलीत के हिस्से से भी इन तमाम शोर को बेदार करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं रास्ते निकल सकते हैं और अभी नहीं तो कभी नई मसला नहीं होता किसी वक्त भी रास्ते निकल सकते हैं अल्लाह ती हमें इस सबका फेहमता फ़रमाए हमें तोफ़ी अत फ़रमाए बाणा नमदिल्ल रबी